तो आज हम बात करेंगे टाइल्स के बारे में, ब्रांडेड लें या नॉन ब्रांडेड, विट्रीफाइड लें या सिरेमिक। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू एलएसी डिजाइन स्टूडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं विट्रीफाइड और सिरेमिक में फर्क क्या होता है। ट्राई करूंगा मैं जितना ज्यादा इजी वे में इसको समझा सकूं, ज्यादा टेक्निकली ना जाए। दोनों टाइल के मैन्युफैक्चरिंग में जो डिफरेंस है और जो रॉ मटेरियल्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं, वहां से जो इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। और ये दोनों ही टाइल्स होने के बाद भी काफी अलग तरह से बिहेव करती है, काफी अलग इनकी प्रॉपर्टीज निकल के आती है। जो रॉ मटेरियल कंपोजिशन विट्रीफाइड में यूज की जा रही है वो अलग होगी सिरेमिक के अंदर। जैसे कि जो सिरेमिक टाइल्स है वो अप्रोक्स 1000 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होती है, वहीं जो विट्रीफाइड टाइल्स हैं वो इनफैक्ट 1200 1300 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर के टेम्परेचर पर बर्न होती है। पहला फर्क यही आ गया इनके मटेरियल कंपोजिशन में और टेम्परेचर डिफरेंस में, कि विट्रीफाइड हायर टेम्परेचर पर बर्न होती है और सिरेमिक लोअर टेम्परेचर पर। अब इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आता है वो है इनकी पोरोसिटी, डेंसिटी और स्ट्रेंथ में। अब क्या डिफरेंस आया कि जो विट्रीफाइड टाइल है उसकी डेंसिटी हाई होती है, तो जाहिर सी बात है पोरोसिटी उसमें कम होगी। अब डेंसिटी हाई है और पोरोसिटी कम है तो जो विट्रीफाइड टाइल्स होती है वो वाटर को कम एब्जॉर्ब करती है, स्टेंस उनके ऊपर इजीली नहीं लगते और विट्रीफाइड टाइल की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू सिरेमिक टाइल्स, और इन्हीं सब की वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। और यहीं पर जो सिरेमिक में पोरोसिटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू विट्रीफाइड टाइल्स, जिसकी वजह से वाटर को काफी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि सिरेमिक टाइल्स को इंस्टॉल करने से पहले उनकी प्रॉपर क्यूरिंग की जाती है, कि पहले उन्हें पानी में भिगोया जाता है। अब पोरोसिटी अगर उनकी ज्यादा है तो उनके ऊपर स्टेन भी काफी इजीली आते हैं और स्ट्रेंथ भी सिरेमिक टाइल्स की कम होती है कंपेयर टू विट्रीफाइड टाइल्स। तो क्या समझ में आया हमें? ज्यादा समझ में नहीं आया तो मोटा मोटा पॉइंट ये है कि विट्रीफाइड के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सिरेमिक में कम होगी। हालांकि सिरेमिक के अंदर जो ग्लेज्ड टाइल्स जो आती है उनकी ड्यूरेबिलिटी कंपेयर टू नॉन ग्लेज्ड टाइल्स ज्यादा होती है थोड़ी। तो ये बेसिक इनके अंदर डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस की वजह से इन्हें कहां पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं वो चीजें भी इनकी चेंज हो जाती है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो विट्रीफाइड टाइल्स है वो आपको जनरली फ्लोर में इंस्टॉल करनी, फिर इंडोर हो या आउटडोर हो, और जो सिरेमिक टाइल्स है उन्हें वॉल पर इंस्टॉल करना। अब क्या होता है कि बाथरूम में आजकल हम लार्ज साइज 2x4 की टाइल्स को इंस्टॉल करने लग गए हैं। अब जो विट्रीफाइड टाइल है ना, इन्हें वॉल पर इंस्टॉल हम सीधा नहीं कर सकते, इनके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड टाइल एडिसिव्स आते हैं, उन्हीं को हमें यूज करना है। अब कई बार क्या होता है, जो वेंडर्स हैं वो हमें सिरेमिक टाइल से विट्रीफाइड बोलकर बेच देते हैं। रीजन क्या, आपको टाइल पसंद आ गई, अब वेंडर को पता है कि आप इसको लेने वाले हो। अब अगर आपने उनसे पूछ लिया कि विट्रीफाइड है या सिरेमिक है, आपको क्या पता चलेगा? तो हम पता कैसे करें कि सिरेमिक कौन सी है, विट्रीफाइड कौन सी है? इनमें एक्चुअल में क्या कलर डिफरेंस होता है, जिससे आप क्लियरली बता सकते हो कि कौन सी टाइल कौन सी है। वैसे तो आप जो भी टाइल परचेस करोगे उनके बॉक्सेस पे साफ साफ लिखा होता है ये विट्रीफाइड है, ये सिरेमिक है, और भी तरीके हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं, पर सबसे कॉमन जो सबसे ईजी तरीका है देखने विजुअली हम जिस तरह से उसे पता लगा सकते हैं वो है उनका कलर डिफरेंस। अब फिलहाल तो यही सैंपल अवेलेबल हुआ है, अभी 3:30 बज रहे हैं सुबह के, इसी से काम चला लो। जो डिफरेंस है वो कुछ ऐसा है कि यह है सिरेमिक टाइल और यह है विट्रीफाइड टाइल। ये जो कलर में डिफरेंस दिख रहा है ना, इससे आप इजीली पहचान सकते हो कि सिरेमिक कैसी नजर आती है और विट्रीफाइड कैसी नजर आती है। बस एक ये पॉइंट याद रखना। अब जैसे कि हम सीमेंट के साथ जो वॉल पर टाइल लगाते हैं उसके लिए वॉल की क्यूरिंग की जाती है, वॉल को हम गीला करते हैं पहले, तो यहाँ पर वो नहीं करना। अगर हम टाइल एडहेसिव यूज कर रहे हैं तो वॉल की कोई क्यूरिंग नहीं होगी, बिल्कुल ड्राई वॉल के ऊपर ही टाइल इंस्टॉल होगा। अब बात करते हैं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल्स। अब पहले तो मैं समझते हैं प्राइस डिफरेंस आता क्यों है। जो ब्रांड्स होते हैं, रिसर्च में जो ब्रांड्स होते हैं उनकी स्पेंडिंग काफी ज्यादा होती है, उनके पास रिसर्च टीम काफी बड़ी होगी, डिजाइनर्स उनके पास काफी ज्यादा होते हैं कि मार्केट में कौन सा डिजाइन आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड लाइनअप होता है उनका। मार्केटिंग पे वो काफी ज्यादा खर्चा करते हैं, वो भी तो एट द एंड आप ही को पे करना है, पर ऐसा नहीं कि मार्केटिंग की वजह से इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। मेन तो रिसर्च में और क्वालिटी कंट्रोल में, और जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो भी इनका काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है जो ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि उनके लिए ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए उनके जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, टाइल में अगर थोड़ा भी डिफेक्ट है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे वो। शायद जो छोटे हमारे रीजनल ब्रांड्स होते हैं उनके अंदर ऐसा ना हो, फर्क यहाँ आ जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन्हीं सबसे मिलकर एट द एंड हमें जो प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है ब्रांड और नॉन ब्रांड के अंदर वो यहाँ से आता है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि प्राइसिंग में डिफरेंस क्या है, पर लें कौन सा, ये क्वेश्चन तो अभी बना हुआ है। तो इस चीज को आप ऐसे देखो, अगर आप ब्रांडेड टाइल्स अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल ब्रांडेड के साथ जाओ, आपको ये कभी सेकंड थॉट नहीं आने वाला कि क्वालिटी कैसी होगी, कभी आगे जाके कुछ इश्यू आ गए तो क्या होगा। क्योंकि होता क्या है कि ब्रांड के अंदर हमें पता है कि हाँ एक जाना माना ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करेगा, तो एक श्योरिटी रहती है कि क्वालिटी चेक इसके काफी अच्छे से हुए हैं, प्रोडक्ट अच्छा है। पर ऐसा भी नहीं कि जो नॉन ब्रांडेड टाइल्स हैं वो खराब आती है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में आती है,
आपको बस एक चीज कंफर्म करनी है कि आप जिस भी वेंडर से टाइल्स परचेस कर रहे हो वो एक रेप्यूटेटेड डीलर हो मार्केट के अंदर, क्योंकि आप किसी अच्छे वेंडर से टाइल्स परचेस करोगे तो नॉन ब्रांडेड के अंदर भी वो अच्छा ही स्टॉक अपने पास रखते हैं, अच्छे ही लोकल ब्रांड्स को अपने पास रखते हैं। बस ये ध्यान रखना प्राइसिंग कम करवाने के चक्कर में कि नहीं मुझे और सस्ती टाइल मिल जाए, और सस्ती मिल जाए, और सस्ती मिल जाए, इसके चक्कर में आप किसी ऐसी जगह से टाइल्स परचेस मत कर लेना वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की टाइल हो, क्योंकि दिखने में हमें पता नहीं चलेगा। जब भी आप टाइल सिलेक्शन के लिए जाओगे सारी टाइल देखने में सेम लगेगी, अच्छी शोरूम के अंदर लाइटिंग होगी तो आपको देख के पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क है, कौन सी ब्रांडेड है, कौन सी नॉन ब्रांडेड है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी खराब है, कोई नहीं बता सकता इसे देख। इनका नुकसान आता है लॉन्ग टर्म में जाकर, जो ड्यूरेबिलिटी वाला जो पॉइंट था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वहां पर जो रॉ मटेरियल्स इन कंपनीज ने यूज किए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, कितने अच्छे से इनके क्वालिटी चेक्स फॉलो हुए हैं, वो सारी चीजें फिर वो कैसी रही है वो थोड़ा फिर डगमगाया हुआ हिसाब रहता है उसका। नॉन ब्रांडेड के अंदर जाओ, अच्छे वेंडर से परचेस करो, अच्छे टाइल्स आपको मिल जाएगी, और बजट है तो ब्रांडेड में जाओ बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे उम्मीद है टाइल सिलेक्शन में इन्फॉर्मेशन आपके जरूर काम आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हर वीक ऐसे वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियोज आपको किन टॉपिक्स के ऊपर चाहिए आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।